रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब इन दिनों में हैरियत से रहे होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तीन चार दिन से मैंने कोई रेसिपी कोई व्लॉग अपलोड नहीं की, मैं थोड़ी बिजी थी। तो आज मैं वापस आई हूँ बड़ी क्विक एंड ईजी रेसिपी आपके लिए लेके। इस ठंडे मौसम में बहुत ही यमी बनते हैं और मैं आज बनाने जा रही हूँ आलू अंडे। तो मैंने लिया है एक अदद प्याज और अभी मैं इसे कर रही हूँ लाइट ब्राउन। तो ये 10-15 मिनट के अंदर अंदर ये तैयार हो गया। इधर मैं आपको बताती चलूँ, मैंने लिया है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी लिया और 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है, 2 अदर टमाटर, 5 अदर हरी मिर्च और यहाँ पे मैं लिया है 5 मीडियम साइज के आलू और इन्हें बारीक बारीक काट लिया है मीडियम साइज में। जैसे कि इधर आप देख सकते हैं मेरे प्याज लाइट ब्राउन हो चुके हैं और अभी मैं इसमें ऐड करूंगी मेरे सारे मसाले और स्पाइसी। मसाले जा रहे हैं इसके अंदर और साथ ही मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ऐड करूँगी टमाटर और हरी मिर्च और मिक्स कर पाँच से सात मिनट तक इसे मीडियम लो फ्लेम पे जो है ना उसको से कवर कर दूंगी, ऐसे प्याज भी सॉफ्ट हो जाएंगे और मसाला हमारा रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इधर मैंने रेडी है 6 अदद अंडे, अभी मैं इसे एक बाउल में निकाल दूंगी। ऐसे हम श्योर हो जाएंगे कि सारे अंडे जो है सॉफ्ट हो गए हैं। अगर हम डायरेक्टली पैन में निकालें तो प्रॉब्लम हो सकती है अगर एक भी खराब निकल। फ्रेंड्स आफ्टर 7 मिनट हमारा मसाला हो चुका है तैयार, अभी मैं ऐड करूँगी मेरे आलू, मैं कर लूँगी मिक्स और अभी मैं तकरीबन 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसे करूँगी फ्राई अच्छी तरह से भूनूंगी। तो फ्रेंड्स इधर मेरे 50% आलू गल चुके हैं तो अभी भी इनमें काफ़ी फ़र्क है, तो मैं अभी 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसे ऊपर से कवर कर दूँगी, ऐसे जो है ना हमारे आलू अच्छी तरह से गल जाए। हमारे आलू ऑलमोस्ट गल चुके हैं और अभी मैं ऐड करूँगी अंडे, तो हम मिक्स करेंगे ये आलू के साथ जो है ना अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। आलू और अंडे अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं और अभी ये इस पॉइंट पे आकर मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून जीरा और इसे मिक्स करके साथ ही फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। तो फ्रेंड्स हमारे आलू अंडे हो चुके हैं तैयार, फ्लेम को मैं करती हूँ ऑफ। देखिए ये कैसे ड्राई ड्राई से हैं, निखरे निखरे से। मुझे आलू अंडे में आलू ज़्यादा नहीं पसंद। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।